ये चलनी है परहित कार्य के अंदर, तो अपेक्षा नहीं रखने के बात तो ये चलिए हमारी अपेक्षा नहीं रखने के, लेकिन इधर मैं बता रहा हूं ये भी जरूरियात है, ये तो विरोधाभास बात है। एक बात के अंदर मैं कहता हूं कुछ नहीं होना चाहिए, यदि अपेक्षा रखे तो लेबर के अंदर नमन लगेगा, और दूसरी वही बात उसके सामने मैं बताया जा रहा हूं, बोले आपके मन के अंदर यदि बैठा ना बैठा बात है, पहली है समझ नहीं पावे, समझ भी जावे तो एक मर्यादा है, प्रवचन चला है बीच में कौन पूछे, लेकिन पूछना चाहिए। ये विरोधाभास चल रही है, एक व्यक्ति अपेक्षा नहीं रखता, उसका कार्य परहित निरता भवंतु भूत गणः, किसी का कार्य हो जाए मेरे हाथ से, मेरे हाथ से समाज का कार्य सुकृत कार्य हो जाए, ऐसी अभिलाषा के अंदर है, चाहना नहीं मांगता नहीं, लेकिन समाज की फर्ज होती है, किस लिए बोलो, बरोबर है अनुमोदना, वो व्यक्ति तो मना कर रहा है। कहा जाता है हाँ, उसने कार्य अच्छा किया है, उसने कार्य अच्छा किया है, उनसे अधिक कार्य लेने के लिए भी सम्मान किया जाता है, इस व्यक्ति से अधिक कार्य लेने के रूप में, क्योंकि योग्य व्यक्ति है, योग्य कार्य कर रहा है और योग्य समझ इसके पास है, इसी रूप में उसका यदि सम्मान किया जाए तो उसका दो गुना उत्साह बढ़ जाए, दो गुना उत्साह बढ़ जाए, और समाज के अंदर तन मन और धन तीनों कार्य से आगे बढ़ने का कार्य होता है। दूसरे नंबर के अंदर दूसरा नया आने वाला जीवात्मा उसके लिए मार्गदर्शन मिलता है, नया आने वाला व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन मिलता है, मुझे भी ऐसे करने का, मैं भी ऐसा करूंगा, ये भाव होता है साथ साथ के अंदर, उसके परिवार आदि होते हैं, कुटुंब परिवार आदि ये होते हैं, उनको भी ये होता है, मेरे पिता है, मुरब्बी है, चाचा है, भाई है, 3 साल का दरमियान के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया और समाज ने उसको सम्मानित किया, सम्मानित करने का कार्य, तो इस कार्य के अंदर कभी दूसरे को भी मौका आवे तो सेवा करने के लिए तैयारी रखे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इधर परहित कार्य के अंदर बताया जाता है, परहित कार्य 20वें नंबर के अंदर ये फाउंडेशन है, सावक धर्म मर्यादा के अंदर इधर से जो अच्छा जो संस्कार जो मिला होवे, फाउंडेशन से अच्छा जो संस्कार सावक धर्म मर्यादा के अंदर यही भाव होवे, यही कार्यवाही होवे, तो समझ लो कि देश वित्ती में से सर्व वित्ती के अंदर भी आवे, तो ये संस्कार जो दृढ़ बना होवे, यही संस्कार का कार्य के अंदर कुल से कुटुंब परिवार से खानदानी से जो संस्कार मिलता है ये बाद में नहीं मिल सकता, बाद में पढ़ने से मिलता, पुण्य के योग से, पुण्य के योग से बन जाए, लेकिन जो खानदानी से जो संस्कार जो मिलता ये इधर आने का सर्ववित्त योग के अंदर आने के बाद भी अपेक्षा ही रहे लेबर की, मैं आपका इतना कार्य किया तो मेरा भी इतना कार्य होना चाहिए। साधु संतों के पास कई समाज का कार्य होता है, प्रतिष्ठा का कार्य होता है, अंजन छला का आदि का कार्य होता है, समाज के अंदर कोई संस्थाओं का कार्य मार्गदर्शन देना का भी कार्य होता है, हम जहां जहां जाते आचार्य पदवी होने के बाद कोई ऐसा मेरा साल नहीं गया कि अंजन छला का प्रतिष्ठा आदि का एक तो होता ही है, अधिक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जहां मैं जाता हूं देखो भाई मैं कोई उपकार करने के लिए नहीं आया हूं, हाँ मैं अंजन छला का करा रहा हूं, मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं समाज का कार्य कर रहा हूं,
मैं कोई उपकार करने के लिए नहीं आया हूं, मेरा कर्तव्य है। किस उम्र, किस श्रावक वर्ग रात दिन मेहनत करके पसीना उतार कर एक एक पैसा जुटा कर एकत्रित करते और उसके बाद धर्म भावना से धर्म की भावना बढ़ते हुए ये पैसा का ममत्व भाव छोड़कर लाखों का दान देकर स्थान बनाने का कार्य होता है। स्थान यानी मंदिर बनाया जाए, उपाश्रय बनाया जाए, ये सारा का सारा कार्य। और इधर हम सोचते हैं हाँ श्रावक के अंदर एक विवेक गुण है, चलो भाई ये उपासना का उद्घाटन करना है, शुरुआत करनी है, तो आचार्य महाराज को ले आओ, क्योंकि आचार्य महाराज आएगा तो समाज भी एकत्रित होगा। समाज आएंगे उसके लिए ये प्रवचन भी देंगे, भी ये किस लिए बनाया, ये किस लिए बनाया, समाज ने एक एक पैसा जुटा कर किस लिए बनाया, धर्म आराधना करने के लिए। तो ऐसा कार्य में विनती करके लाए होवे, लेकिन हम पहले से कह देंगे उद्घाटन के समय मैं आ रहा हूं तो मेरी तख्ती बहुत बड़ी लग जानी चाहिए। अभी तो इस नगर के अंदर मैं प्रवेश ही कर रहा हूं, जगह भी मैं देखी नहीं, इस कार्य के लिए हमने कुछ किया नहीं, फिर भी हमारा ममत्व भाव, हमारा ईश्व में जो कुछ भाव जो बने, और इसके अंदर यदि श्रावक नहीं भी रखा और उसी समय के अंदर पत्रिका तैयार करने के समय के अंदर, पत्रिका यानी उद्घाटन करने का है, उसके समय के अंदर यदि इकरार नहीं किया कि सोचेंगे शायद आपने जो कहा है उद्घाटन का समय के अंदर तख्ती लगाने का सोचेंगे तो साधु संत हमारे जैसे क्या कहेंगे, भाई मैं भी सोचूंगा आना के नहीं आना। तो ऐसी जो मनोवृत्ति जो होती है तो वास्तविक के अंदर परहित कार्य के अंदर, लेकिन हम ये कहते हैं आप इतना पैसा एकत्रित कर कर करते जैसे आप आपका कर्तव्य समझते हो, क्योंकि जो पैसा का कार्य है ग्रस्त मर्यादा के अंदर साधु के पास कुछ नहीं है, कोई कह के महाराज पैसा दिलाए, महाराज कौन से दिलाए, अशोक जी महाराज कौन से दिलाए, महाराज के तिजोरियों चल रही है, पेड़ियों के पेड़ियों चल रही है, तो आखिर तो श्रावक ही देने वाले हैं, तो देने वाला एक कार्य के अंदर वो अपना कर्तव्य समझते हैं। यदि नगर के अंदर उपासना बन रहा है, मंदिर बन रहा है, हम नहीं देंगे कौन देगा, तो इस में देने का कार्य होता तो हमारा भी कर्तव्य होता है, साधु का कर्तव्य होता है, समाज के अंदर समाज का कार्य साथ सहकार देने का एक कार्य होता है। तो इसी कार्य के अंदर इन भावना का कार्य के अंदर कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हो जाता है। श्रावक भी बाद में समझेगा, आज के समय के अंदर मंदिरों आदि के अंदर लेख ये रखा जाता है, हमारे नाम के लिए कोई हमारी कोई भी साधु की चाहना नहीं होती है, मंदिर के अंदर जो लेख लिखा जाता है प्रतिष्ठा कब हुई, भविष्य के अंदर, भविष्य के अंदर यदि देखना चाहे आपकी किताब के अंदर लिखा होवे एक पेड़ी दो पेड़ी निकल जाएगी तो किताब रफे दफे हो जाएगी, टूट भी जाएगी, सड़ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मंदिर के अंदर तिथि तारीख नहीं लिखी जाती, तारीख लिखी है। हाँ जी पदम जी आपने कहा ना, देख लेना, मैं आज देख लिया, तारीख नहीं चलती तिथि चलती, तारीख तो बदलती रहती, लेकिन जेठ सुदी पंचमी को जो कुछ होवे वो तिथि ही डालने का कार्य होता है। इसके अंदर तिथि आदि का कार्य के अंदर यदि समझो के कारांतर है, आपने जो प्रतिष्ठा कराई है ये प्रतिष्ठा कार्य के अंदर दो तिथि आ गई, उसी दिन अष्टमी है, दो अष्टमी आ गई,
तो अपनी सितंबर मूर्ति पूजक के अंदर विधानों के अंदर बताया जाता है, प्रथम जो तिथि होती है फल्गु कहलाती, उसको फोगट कहा जाता है। दूसरी जो तिथि होती है उसी तिथि के अंदर हमारे जो कुछ करना होवे, ध्वजा चढ़ाना होवे, नामकरण करना होवे, कोई भी कार्य होता है, समझो कि तुम्हारे पुत्र जन्म का कार्य ही है, ज्येष्ठी पंचमी का कार्य है कि वैसा छुदी पंचमी का कार्य रूप में आया, लेकिन वो 25 साल का होने के बाद 50 साल का होने के बाद आप वैशाख महीना देखोगे, वैशाख महीना का कार्य के अंदर दो पंचमी है, दो चतुर्दशी है, तो प्रथम जो तिथि होती फल्गु कहा जाती, वो गिनती के अंदर नहीं आती। दूसरी तिथि के अंदर आपको जो विधान करना हो ये किया जाता, इसके लिए ये मंदिर के अंदर तख्ती लगाने का कार्य होता है। आज के दिनों के अंदर मूर्ति ऊपर नाम, ये नाम का खेल चल रहा है, मूर्ति ऊपर नाम। हमारे कोई आकांक्षा नहीं होती साधु संतों को, किसका नाम रहेगा, किसका रहा है। चक्रवर्ती जब अपना नाम लिखने जाते हैं कोटी शिला के ऊपर, तो उसी समय के अंदर एक मिटाना पड़ता, तभी चक्रवर्ती लिखता है। और इसके अंदर चक्रवर्ती का कार्य के अंदर कई अध्यात्म योग वाले भी चक्रवर्ती होते। कभी ये सोच ले यदि मैं किसी का मिटा तो मेरा भी मिटाने वाला निकलेगा, तो किसी लिए निकलना, इतना प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना कोई जरूरियात नहीं, वापिस अपने स्थान के अंदर आ जाना का भी कार्य बन जाए। तो इसी तरह से यदि साधु संत आदि का कार्य के अंदर मूर्ति ऊपर नाम का कार्य के अंदर भविष्य के अंदर प्रमाणिकता का एक प्रमाण देने के लिए लिखना पड़ता है। कभी कभी यही बात चल रही है अहि छत्रा की नाम का कार्य में, तो हमारे पास बात आती कि महाराज जी इतना नाम के लिए इतना झगड़ा। हमारे कोई झगड़ा नहीं भाई, हमारे कोई झगड़ा करने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन मूर्ति का हमारा विधान है सितंबर मूर्ति पूजक विधानों के अंदर 500 साल के बाद भी मूर्ति दिखी जाए, कोई भी जीवात्मा देखे कि मूर्ति की प्रमाणिकता क्या है। आज भी संपत्ति महाजा के समय के अंदर सुहस्ति आचार्य भगवान के द्वारा और भी आचार्य भगवान के द्वारा जो अंजन शलाका आदि हुई है, और इसके अंदर कोई नाम नहीं लेकिन निशान बताया है, निशान बताने का कार्य के अंदर ये मूर्ति देखते ही प्रमाणिकता के संपत्ति महाजा समय की मूर्ति है। तो ये प्रमाणिकता का कार्य के अंदर ये विधान बन जाता है। तो साधु संतों को कोई अपेक्षा नहीं होती, गृहस्थ को भी अमोकते अपना द्रव्य देवे, पैसा देने के रूप में उनका भी महत्व नहीं होता है, लेकिन एक विधान चला हुआ है, विधान चल पड़ा हुआ है, इसलिए नीचे नाम आदि लिखने का और सम्मत आदि कितनी पुरानी मूर्ति है ये विधानों बताने के लिए एक कार्य होता है अपने ही समुदाय।